फ्रेंड्स कि आपको भी बहुत ही स्लो इंटरनेट स्पीड मिल रहा है या फिर आपका जो गेम है वो पिंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा लैग हो रहा है और आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट स्पीड स्लो मिल रहा है, आपको वीडियो देखते वक्त अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है, इस वीडियो में आपको जो मैं सेटिंग्स बताने जा रहा हूँ इससे आपकी उम्मीद है कि जो भी प्रॉब्लम होगी फिक्स हो जाएगी और आपका इंटरनेट स्पीड है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और आपको गेम खेलते वक्त भी पिंग का इशू नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स अभी से वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स एपिन सेटिंग्स को करने के लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। सो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलता है तो हम इसमें चले जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आने के बाद जियो 4G सिम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको देखिए नीचे एक्सेस पॉइंट नेम्स का ऑप्शन मिलता है, इसे हम APN भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पर आने के बाद मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये सेटिंग्स तभी काम करेगी अगर आप जो भी मैं आपको बताऊँगा एग्जैक्ट सेम टू सेम फिल करोगे, तभी आपका जो पिंग इशू है वो सॉल्व होगा और आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी और आपकी स्पीड अच्छी हो पाएगी। मैंने इंटरनेट सेटिंग जो है सेव करके रखी हुई है तो आपको मैं बता देता हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि ये सेटिंग्स तभी वर्क करेगी अगर आप एग्जैक्ट सेम टू सेम फिल करोगे, तभी आपका पिंग इशू जो है सॉल्व होगा और आपकी इंटरनेट स्पीड फास्ट होगी। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे न्यू APN का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने देखिए यहाँ पर सेव कर रखी है तो मैं वहाँ पर नहीं क्लिक करूँगा। तो आपको यहाँ पर ऊपर सबसे पहले नेम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट सेम टू सेम फिल करना है जियो स्पेस LTE स्पेस V6.8। सेम टू सेम देखिए ऐसे जे यहाँ पर बड़ा है जियो का, LTE आपको कैपिटल रखना है और वी भी आपको कैपिटल रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे मिलता है APN, APN में आपको डालना है जियो नेट, यहाँ पर भी आपको जे कैपिटल रखना है और एम को कैपिटल रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रॉक्सी ऑप्शन मिलता है, इसे हमें नॉट सेट रखना है। उसके बाद हमको यहाँ पर पोर्ट मिलता है, इसे भी हमको नॉट सेट रखना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको यूज़र नेम मिलता है, इसे भी हम नॉट सेट रखेंगे। उसके बाद पासवर्ड तो हमने नहीं रखना। यहाँ पर सर्वर का ऑप्शन मिलता है, सर्वर आपको यहाँ पर डालना है www.google.com, जी आपको यहाँ पर भी कैपिटल रखना है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये सेटिंग्स सभी कंट्रीज़ में वर्क करेगी, तो आपको मैं बता दूं कि आप अपने कंट्री के हिसाब से भी अपना जो बेस्ट सर्वर है वो आप डाल सकते हो। फिर भी मैं आपको डिफ़ॉल्ट जो सर्वर बता रहा हूँ www.google.com ये सभी जगह वर्क करेगा और ये बेस्ट जो सर्वर आपको स्पीड प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे मिलता है MMSC, इसे हम नॉट सेट रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे मिलता है MMS प्रॉक्सी नॉट सेट, MMS पोर्ट नॉट सेट। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे मिलता है MCC एंड MNC। एक बात ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये आपके एरिया का कोड है, अच्छा होगा कि आप इससे कोई भी छेड़खानी ना करो और अगर आप इससे कोई भी छेड़खानी करते हो तो आपका इंटरनेट सेटिंग्स बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन टाइप मिलता है, इसे हमें PAP कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर APN टाइप मिलता है, इसे आपको डिफ़ॉल्ट रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है APN प्रोटोकॉल, मैं भी अपना एक बार APN टाइप डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना APN सेटिंग जो है डिफ़ॉल्ट कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर APN प्रोटोकॉल मिलता है, इसे हमको आपके फ़ोन में ये IPv4 भी हो सकता है, IPv6 भी सिलेक्ट हो सकता है, आपको इसे वहाँ से उठाकर IPv4 एंड IPv6 दोनों पे ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर APN रोमिंग प्रोटोकॉल भी सेम ऐसी करना है। उसके बाद आपको नीचे मिलता है APN इनेबल डिसेबल, इसे आप नाइस हिलाएं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर बियरर। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, ये आपको बिल्कुल सेम करनी है। तो यहाँ पर आपको अनस्पेसिफाइड रहेगा ये आपके यहाँ पर, तो इसे आपको यहाँ से हटाकर आपको LTE सेलेक्ट करना है, HSPAP, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको GPRS,
एक बार फिर बता दूँ आपको, ये तीन सेटिंग ही सिलेक्ट करनी है, LTE, HS, PAP एंड GPRS। इसके बाद आपको ओके करना है। तो आप हमारा जो सेटिंग्स है वो परफेक्टली हो चुका है, और यहाँ पर MVNO टाइप को आपको नॉट सेट रखना है। और ये सेटिंग्स को सेव करने के लिए आपको मोर में जाना है और यहाँ पर आपको सेव कर देना है। तो हमारी सेटिंग सेव हो चुकी है। अभी मैं आपको इसका एक स्पीड टेस्ट करके भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखिए, मैं आप ये सेटिंग्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए, मेरा नेटवर्क दोबारा से रीसेट होके इस APN सेटिंग्स के कनेक्ट हो रहा है। तो मेरा APN जो है वर्क करना भी स्टार्ट कर दिया है। और मैं आपको एक प्रेफर करूँगा कि आप और भी अच्छी इससे अगर आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट भी कर दें APN सेटिंग्स करने के बाद, ताकि ये APN सेटिंग्स डिफ़ॉल्टली सेट हो जाएं। इससे आपके इंटरनेट स्पीड पे काफ़ी जो इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए अब हम स्पीड टेस्ट करके भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम ये फाइंडिंग सर्वर हो रहा है, सर्वर फाइंड होने के बाद स्पीड टेस्ट हम कर लेते हैं। उम्मीद है गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपका स्पीड जो है इम्प्रूव होगा इससे, और आपकी पिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ऐसी वीडियोस को और APN सेटिंग्स को पाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको हमारे चैनल में को सब्सक्राइब करना है और पास में बेल आइकन को जरूर दबाना है, ताकि आपको ऐसी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपका जिससे APN सेटिंग्स वर्क कर गया है, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस को बनाने का। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।